नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार जैन है और आज हम मनोविज्ञान विषय की कक्षा 12 के अध्याय 3 जीवन की चुनौतियों का सामना के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियां होती हैं। हम सब अपने अपने तरीकों से इन चुनौतियों का सामना करते हैं। चुनौतियां कह लें, समस्याएं, कठिनाई हमें दबाव में डालती हैं। वे सारी स्थितियां दबावपूर्ण, स्ट्रेसफुल हो सकती हैं जिनमें हमें समायोजन करने की आवश्यकता होती है। दबाव, स्ट्रेस, प्रतिबल, तनाव, कई शब्द प्रचलित हैं। हम अपने अध्ययन में स्ट्रेस के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त दबाव शब्द का उपयोग करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं दबाव की प्रकृति, प्रकार और स्रोत की। दबाव विद्युत की भांति ऊर्जा प्रदान करता है, मानव भाव प्रबोधन में वृद्धि करता है तथा हमारे निष्पादन को प्रभावित करता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि विद्युत की नियंत्रित मात्रा बल्ब को उजाले से भर देती है, जबकि अधिक मात्रा में विद्युत बल्ब को या उपकरण को खराब कर सकती है। इसी तरह से उच्च दबाव से व्यक्ति के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि निम्न दबाव व्यक्ति को उदासीन बना सकता है। दबाव और निष्पादन में एक संबंध देखने को मिलता है। आप इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए इस यहां पे हम दबाव की बात कर रहे हैं और ये हमारा निष्पादन है। दबाव यदि बिल्कुल भी नहीं है तो निष्पादन भी कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा दबाव बढ़ाते हैं, थोड़ा सा निष्पादन बढ़ता है, थोड़ा और दबाव बढ़ाते हैं, थोड़ा और निष्पादन बढ़ता है। लेकिन एक स्तर के बाद यदि दबाव को हम और ज्यादा बढ़ाते हैं तो निष्पादन घटना चालू हो जाता है। यदि हम ग्राफ में देखें तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। पहले निष्पादन बढ़ रहा है दबाव के साथ, और जैसे ही दबाव और बढ़ा तो निष्पादन घटना चालू हो गया। हम दो और पद का इस्तेमाल करते हैं, एक है यू स्ट्रेस और एक है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस सकारात्मक स्ट्रेस कह सकते हैं, हम सकारात्मक दबाव कह सकते हैं, जो कि हमारे निष्पादन में सहयोगी होता है। यू स्ट्रेस हमारे निष्पादन में सहयोगी होता है, जबकि डिस्ट्रेस निष्पादन को कम करता है, निष्पादन को बुरी तरह प्रभावित करता है। चलिए दबाव के बारे में कुछ और बात करते हैं। दबाव के लिए अंग्रेजी भाषा में स्ट्रेस शब्द प्रयुक्त होता है और इस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्ट्रिक्टस और स्ट्रिंगर से हुई है। स्ट्रिक्टस का अर्थ है तंग या संकीर्ण और स्ट्रिंगर का अर्थ है कसना। यह शब्द दबाव अवस्था में व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं में संकुचन तथा मांसपेशियों और श्वसन में कसावट को प्रतिबंधित करता है। दबाव के मनोवैज्ञानिक अर्थ को चित्र में कारण, आंतरिक स्थिति और परिणाम के रूप में प्रदर्शित किया गया है। चित्र में आप देख पाएंगे कि कारण वाह हो सकते हैं या फिर व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं, आंतरिक कारण हो सकते हैं। दूसरे कारण के बाद एक आंतरिक दशा निर्मित होती है, जैविक तथा मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं जो दबाव के अनुभव को जन्म देती हैं। इसके बाद परिणाम, परिणाम के रूप में हम चुनौती पर विजय पा सकते हैं या फिर उस दबाव कारक से हम तनाव में आ सकते हैं। हैंस सेले के अनुसार दबाव किसी भी मांग के प्रति शरीर की अविशिष्ट नॉन स्पेसिफिक अनुक्रिया है। अलग अलग दबाव कारक भिन्न दबाव अनुक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि अलग अलग व्यक्तियों में दबाव की अनुक्रिया अलग अलग हो सकती है। दबाव का प्रत्यक्षण या दबाव का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति घटनाओं और उनसे निपटने के संसाधनों का संज्ञानात्मक मूल्यांकन कैसे करता है। लेजरस और उनके सहयोगियों ने मूल्यांकन के दो प्रकार बताए हैं, प्राथमिक मूल्यांकन और द्वितीयक मूल्यांकन। प्राथमिक मूल्यांकन के अंतर्गत नए या चुनौतीपूर्ण पर्यावरण परिणामों के प्रत्यक्षण से है। व्यक्ति परिणाम का प्रत्यक्षण सकारात्मक कर सकता है, व्यक्ति उस परिणाम के प्रति तटस्थ रह सकता है या फिर वो नकारात्मक प्रत्यक्षण कर सकता है। नकारात्मक घटना का मूल्यांकन संभावित नुकसान, खतरा या फिर चुनौती के लिए किया जाता है।
जब हमें लगता है कि घटना दबावपूर्ण है तो हम उसका द्वितीयक मूल्यांकन करते हैं। इसमें व्यक्ति अपनी योग्यता तथा संसाधनों का आकलन करता है, वह मूल्यांकन करता है कि क्या उसके पास नई चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त साधन है या नहीं है। यह संसाधन शारीरिक हो सकते हैं, मानसिक हो सकते हैं या फिर सामाजिक हो सकते हैं। यदि व्यक्ति को लगता है कि उसके पास समस्या से निपटने हेतु पर्याप्त संसाधन है तो वह कम दबाव महसूस करेगा। इसके उलट यदि उसे महसूस होता है कि संसाधन उपलब्ध नहीं है तो वह दबाव का अनुभव करेगा। मूल्यांकन अत्यंत आत्मनिष्ठ होता है, अर्थात एक जैसी दबावकारी परिस्थिति का मूल्यांकन दो व्यक्ति अलग अलग कर सकते हैं। यह मूल्यांकन कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि पूर्व अनुभव। यदि मेरा पहले का अनुभव है उस दबाव से निपटने का तो इस बार मुझे आसानी होगी। साथ ही साथ दूसरी बात है नियंत्रणीयता। यदि मुझे लगता है कि यह स्थिति मेरे कंट्रोल में है, मेरे नियंत्रण में है, तो मुझे दबाव कम होगा। दबाव कारकों के कारण कई दबाव प्रतिक्रियाएं होती हैं। शरीर क्रियात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं, व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं। शरीर क्रियात्मक प्रतिक्रियाओं में हमारे मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस हमारे दो पाथ होते हैं, उनको सक्रिय कर देता है। प्रथम पथ है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संबंधित। एड्रिनलीन ग्रंथि रक्त में कैटाकोलामाइंस, एपिनेफरीन और नार एपिनेफरीन मिला देता है, जिससे होने वाले परिवर्तन लड़ो या भागो की अनुक्रिया में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दूसरा पथ है पिट्यूटरी ग्रंथि। इस ग्रंथि का कॉर्टिसोल स्राव कर ऊर्जा प्रदान करता है। संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं में भय, चिंता, क्रोध, अवसाद प्रकट हो सकते हैं। व्यवहार कुसमायोजित हो सकता है। संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं कि हमारी एकाग्रता में कमी आ रही है, हम ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं। दबाव का अनुभव कुछ और आयामों पर भी निर्भर करता है, जैसे कि दबाव की तीव्रता। दबाव तीव्र हो सकता है या कम हो सकता है। दबाव की अवधि, दबाव कितने लंबे समय तक चलता है। दबाव की जटिलता। इसके अलावा दबाव के बारे में हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं। भविष्य कथनीयता, क्या मेरा जो दबाव मेरे सामने आ रहा है, जो चुनौती आ रही है, क्या हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसका अंदाजा लगा सकते हैं। यदि हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे तो दबाव से हम आसानी से निपट पाएंगे। चलिए बात करते हैं दबाव के कुछ और संकेत और लक्षणों पर। व्यक्ति की दबाव के प्रति अनुक्रिया उसके व्यक्तित्व पर, उसके पालन पोषण पर और उसके जीवन अनुभव पर निर्भर करती है। दबाव अनुक्रिया, चेतावनी संकेत व उनकी तीव्रता अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है। दबाव के प्रकारों पर बात करते हैं। दबाव का पहला प्रकार है भौतिक एवं पर्यावरणीय प्रकार। इसके अंतर्गत वायु प्रदूषण, शोरगुल, भीड़, गर्मी, सर्दी एवं प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़ आदि शामिल हो सकते हैं। यदि हम मनोवैज्ञानिक दबाव की बात करें, जो कि हमारा दूसरा प्रकार है, तो उसमें कुंठा, द्वंद, आंतरिक एवं सामाजिक दबाव आते हैं। एक व्यक्ति कुंठा का अनुभव तब करता है जब वह किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है और उस लक्ष्य में उसे बीच में कोई बाधा का सामना करना पड़ता है, तो वह कुंठा का अनुभव करता है। इसी तरह से द्वंद का अनुभव तब होता है जब व्यक्ति एक समय में एक साथ दो वस्तुओं को पसंद करता है तो उसे निर्णय करना मुश्किल होता है कि मैं ये लूं या फिर ये वाली वस्तु मुझे लेनी चाहिए। व्यक्ति अपने साथ अपनी आंतरिक अपेक्षाएं उच्च रख सकता है, मुझे तो हर परिस्थिति में बहुत अच्छा करना है, मुझे सर्वश्रेष्ठ करना है। और व्यक्ति सामाजिक दबाव का भी अनुभव कर सकता है,
जैसे उसके आसपास के व्यक्ति उससे बोल सकते हैं, उससे अपेक्षाएं रख सकते हैं, उन अपेक्षाओं के कारण व्यक्ति को दबाव महसूस हो सकता है। अगले तरह का दबाव है सामाजिक दबाव। इसके अंतर्गत दूसरों के साथ अंतःक्रिया के कारण, दूसरों के साथ अंतःक्रिया के कारण जैसे कि तनावपूर्ण संबंध या पड़ोसी से परेशानी होना। चलिए अब हम बात करते हैं दबाव के स्रोत की। क्या क्या स्रोत हो सकते हैं दबाव के, क्या क्या स्रोत हो सकते हैं स्ट्रेस के? तो सबसे पहला है जीवन की घटनाएं, लाइफ इवेंट्स। आप सोच के देखिए, जब एक आप घर बदलते हैं या कोई हमारा संबंध टूटता है या किसी व्यक्ति की नौकरी चली जाती है, तो इस तरह की जीवन घटनाएं उसको दबाव देती हैं। दूसरी तरह की घटनाएं हैं रोजाना वाली परेशानी, डेली हैजल्स, जैसे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, या पड़ोसी के साथ तू-तू मैं-मैं झगड़े की समस्या है, शोरगुल वाला परिवेश है। तीसरे तरह की घटनाएं हैं अभिघाचित घटनाएं, ट्रॉमेटिक इवेंट, जैसे कि कोई सड़क दुर्घटना हो जाना या कोई किसी के साथ लूट हो जाना, भूकंप या सुनामी का सामना करना। इस तरह के ट्रॉमेटिक इवेंट जो हैं वो व्यक्ति को तनाव की स्थिति में डाल सकते हैं, एक सतत दबाव की स्थिति में डाल सकते हैं। दबावपूर्ण जीवन की घटनाओं के ऊपर एक मापनी, एक स्केल तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत 51 जीवन परिवर्तन घटनाओं पर यह आधारित है। इस मापनी में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के परिवर्तनों को सम्मिलित किया गया है। गंभीरता के आधार पर संख्यात्मक मूल्य दिया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक प्रकार और स्वास्थ्य पर दबाव का क्या प्रभाव हो सकता है, उन प्रभावों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं संवेगात्मक प्रभाव, इमोशनल इफेक्ट्स की। यह संभव है कि दबाव के कारण व्यक्ति के मनोदशा में परिवर्तन हो, उसके मूड में स्विंग्स हो, वह उच्च मूड की तरफ या उच्च मनोदशा की तरफ जा सकता है या निम्न मनोदशा की तरफ जा सकता है। व्यक्ति अस्थिर व्यवहार कर सकता है, इरेटिक बिहेवियर कर सकता है, व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। गंभीर संवेगात्मक समस्याएं जैसे कि दुश्चिंता या अवसाद आदि से वह ग्रसित हो सकता है। दूसरे प्रभाव हैं शरीर क्रियात्मक प्रभाव। एड्रिनलीन व कॉर्टिसोल का स्राव बढ़ जाना, जिससे कि हृदय गति, रक्तचाप, चयापचय में परिवर्तन आते हैं। एपिनेफ्रिन एवं नॉन एपिनेफ्रिन का स्राव पाचन तंत्र को धीमा करता है, फेफड़ों में वायु मार्ग का विस्तार करता है, हृदय गति में वृद्धि करता है। इस तरह के परिणाम दबाव से निपटने में हमारे लिए सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन यही प्रतिक्रियाएं यदि दीर्घकालिक चलती हैं तो ये शरीर के लिए नुकसानदायी हो सकती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक प्रभावों की। व्यक्ति मानसिक अतिभार महसूस कर सकता है, उसे पूरे समय लग सकता है कि वो ओवरलोडेड है, अतिभार उसको महसूस हो सकता है। उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, गलत निर्णयों के कारण घर व कार्यस्थल पर उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, एकाग्रता में कमी आने से उसके कार्य प्रभावित हो सकते हैं, स्मृति में कमी आ सकती है। बात करते हैं अब व्यवहारात्मक प्रभावों की। व्यक्ति हो सकता है कि कम पौष्टिक भोजन लेना प्रारंभ कर दे, दबाव के कारण से कैफीन जैसे कि कॉफी, चाय, इसके अलावा धूम्रपान, मद्यपान करना प्रारंभ कर सकता है। व्यक्ति के समन्वय में कमी आ सकती है, उसके निद्रा प्रारूप में अनियमितता हो सकती है, कार्यस्थल से अनुपस्थिति बढ़ सकती है और उसका निष्पादन गिर सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे दबाव तथा स्वास्थ्य की। दीर्घकालिक दैनिक दबाव व्यक्ति को खुद की देखभाल करने से हटा सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक प्रकार पर प्रभाव पड़ता है। मानसिक परिश्रांति, जैसे कि मानसिक रूप से थक जाना, एग्जॉस्टेड हो जाना, मानसिक परिश्रांति, दुश्चिंता, असहायता व निराशा का भाव, और इन सारे को समग्र रूप से हम बर्नआउट भी कहते हैं, इससे व्यक्ति प्रभावित हो सकता है।
यह पाया गया है अध्ययनों में कि 50-70% तक हमारी शारीरिक बीमारियों में हमारे स्ट्रेस की दबाव की भूमिका होती है। दबाव से संबंधित अब हम एक और विशिष्ट मॉडल की बात करते हैं, जिसे कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण जनरल अडॉप्टेशन सिंड्रोम कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन स्टेजेस हैं, तीन चरण हैं। पहली स्टेज है सचेत प्रतिक्रिया चरण। इसके अंतर्गत दबाव कारक या स्ट्रेसर की उपस्थिति से एड्रिनलिन प्यूस कॉर्टेक्स तंत्र सक्रिय होकर हार्मोन्स निष्कासित करता है और व्यक्ति संघर्ष करने के लिए या फिर भागने के लिए, पलायन के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा चरण है प्रतिरोध का चरण। यदि दबाव लंबे समय चलता है तो प्रतिरोध की अवस्था उत्पन्न होती है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शरीर के संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करने लगता है और हम खतरे से मुकाबला करने का प्रयास सतत रूप से करते हैं। तीसरी अवस्था है परिश्रांति चरण, एग्जॉशन स्टेज। जब लगातार दबाव चलता रहता है, लगातार एक या अन्य दबाव कारकों से सामना होते रहने से शरीर के संसाधन कम होने लगते। सचेत प्रतिक्रिया चरण और प्रतिरोध चरण में कार्यरत तंत्र अप्रभावी हो जाता है तथा दबाव संबद्ध रोग जैसे कि उच्च रक्तचाप की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं दबाव तथा प्रतिरक्षा तंत्र की। इम्यून सिस्टम और स्ट्रेस के बीच में क्या संबंध हो सकता है उसकी बात करते हैं। यदि हम बात करें प्रतिरक्षक तंत्र की, तो इसके अंतर्गत विभिन्न तरह के श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, टी कोशिकाएं होती हैं। यह बाहर से आने वाले हमलावर से हमारी रक्षा करती हैं, बाहर के हमलावर को नष्ट करती हैं टी सेल्स। टी सहायक कोशिकाएं हो सकती हैं जो प्रतिरक्षात्मक क्रियाओं में वृद्धि करती हैं। साथ ही साथ बी कोशिकाएं होती हैं, यह रोग प्रतिकारकों एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। तो ये तीनों तरह की कोशिकाएं हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा है। एक वर्तमान में नए तरह का क्षेत्र विकसित हो रहा है अध्ययन का, जिसे हम बोलते हैं मनस्तंत्रिका प्रतिरक्षा विज्ञान, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। मन, तंत्रिका तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र, इनमें क्या संबंध हो सकता है उसकी चर्चा इसमें की जाती है, उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। और अध्ययनों में यह पाया गया कि जैसे ही तनाव, जैसे ही दबाव आता है, तो वह हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र के कारण से जो हार्मोन्स निकल के बाहर आ रहे हैं, जो रक्त में मिल रहे हैं, वह हमारे इम्यून सिस्टम को, प्रतिरक्षक तंत्र को प्रभावित करते हैं और हमारा प्रतिरक्षक तंत्र कमजोर पड़ता है। तो आज इस भाग में हमने दबाव क्या है, दबाव के प्रकार क्या हैं, दबाव के स्रोत क्या हैं, दबाव आने पर हमारा शरीर किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में जाना, हमारे संज्ञानात्मक स्तर पर, हमारे व्यवहार पर क्या प्रभाव होता है वह हमने जाना, साथ ही साथ हमारे इमोशंस, हमारे संवेगों पर क्या प्रभाव होता है वह हमने जाना, और अंत में हमने यह जाना कि दबाव किस तरह से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है। यहां पर हम विराम लेंगे। अगले भाग में हम दबाव का सामना कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या तकनीकें हैं, उसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।